हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम कुछ इस तरह का स्टेटस क्रिएट करना सीखेंगे। इस तरह का स्टेटस क्रिएट करना बहुत ही आसान है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट जरूर देखिए। हम आपको बहुत ही आसान स्टेप में बताएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह का स्टेटस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अपने काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम अपने काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर चुके हैं। इसके बाद हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और नो सोलो वाला साइज सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम मीडिया पर क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और ब्लैक पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जितना लंबा स्टेटस क्रिएट करना है सेम उसका आधा ही बैकग्राउंड एड करना है। जैसे हमें 10 सेकंड का स्टेटस एडिट करना है तो हमें 5 सेकंड का ही बैकग्राउंड लेना होगा। तो हम देखिए, हम 10 सेकंड का वीडियो एडिट करना है, हम 5 सेकंड का बैकग्राउंड ले लिए। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और अपना कोई एक फोटो सेलेक्ट कर लेंगे जिस फोटो से हमें स्टेटस क्रिएट करना हो। तो चलिए हम कोई फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं इस फोटो को ऐड करना है, इसको सेलेक्ट किया, काइंड मास्टर में ऐड हो चुका। इसके बाद हम इसको इस तरह करके फुल स्क्रीन कर लेंगे। इसके बाद हम ओवरऑल एनिमेशन पर क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, ड्रिफ्टिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम लास्ट में चले जाएंगे और बैकग्राउंड से जो भी बाहर हमारा फोटो है इसको काट के हटा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। हमारा फाइल सेव हो रहा है, हम कुछ देर वेट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा फाइल सेव हो चुका है। इसके बाद हम बैक जाएंगे और फिर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, नो सोलो वाला साइज सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम मीडिया पर क्लिक करेंगे, जो फाइल हम सेव किए उसको लाएंगे। तो हमारा फाइल इसको सेलेक्ट किया, काइंड मास्टर में ऐड हो चुका। फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, नीचे जाएंगे, स्पीड कंट्रोल पर क्लिक करेंगे और इसकी स्पीड को 0.5x पे रख लेंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए एक बार आपको प्ले करके दिखा देते हैं। इसके बाद हम लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और एक इमेज लाएंगे। इस इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस इमेज को मेड करते हैं। ये हमारा इमेज है, इसको सेलेक्ट किए, काइंड मास्टर में ऐड हो चुका है। इसके बाद इसको इस तरह करके फुल स्क्रीन कर लेंगे। फिर हम इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे, फिर इसको जहाँ तक बैकग्राउंड है वहाँ तक बढ़ा लेंगे। फिर इस वीडियो को हम सेलेक्ट करेंगे, नीचे जाएंगे, विग्नेट वाले ऑप्शन को ऑन कर लेंगे। फिर हम नीचे जाएंगे, कलर फिल्टर पर क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और एक फ्रेम लाएंगे। इस फ्रेम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस फ्रेम को मेड करते हैं। ये हमारा फ्रेम है, इसको सेलेक्ट किए, काइंड मास्टर मेड हो चुका है। फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे और स्क्रीन पर क्लिक कर लेंगे। फिर इसको जहाँ तक बैकग्राउंड है वहाँ तक इसको बढ़ा लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और एक लेरी का ब्लैक स्क्रीन वीडियो लाएंगे। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मेड करते हैं। हमारा वीडियो इसको सेलेक्ट किए, काइंड मास्टर मेड हो चुका है। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और यहाँ पे इसको नीचे लाएंगे। फिर हम नीचे जाएंगे, ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे और स्क्रीन पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम लेरिक वाले वीडियो को सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा आगे ले जाएंगे। जहाँ पे मेरा लाइन चेंज हो रहा है वहाँ पे इसको ले जाएंगे। यहाँ पे मेरा लाइन चेंज हो रहा है वहाँ पे इसको रोकेंगे। फिर हम की वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ प्लस पर क्लिक कर लेंगे। फिर थोड़ा सा इसको आगे ले जाएंगे और फिर प्लस पर क्लिक कर लेंगे। फिर इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे। लेरिक में जहाँ भी हमारा लाइन चेंज होगा वहाँ पे इसको इस तरह कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो चलिए एक बार आपको प्ले करके दिखा देते हैं। इसके बाद हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और एक पीएनजी इमेज लाएंगे। इस इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस इमेज को मेड करते हैं। हमारे इमेज इसको सेलेक्ट किया, काइंड मास्टर मेड हो चुका। फिर इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और नीचे इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। फिर हम नीचे जाएंगे, कलर फिल्टर पर क्लिक करेंगे और फिर नीचे जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और जहाँ तक बैकग्राउंड है वहाँ तक इसको बढ़ा लेंगे। फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे, फिर एक पीएनजी इमेज लाएंगे। इस इमेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस इमेज को हम ऐड करते हैं। ये हमारा इमेज है, इसको सेलेक्ट किया, काइंड मास्टर मेड हो चुका। फिर इसको थोड़ा छोटा करेंगे और यहाँ पर इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। फिर हम नीचे जाएंगे, कलर फिल्टर पर क्लिक करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, जहाँ तक बैकग्राउंड है वहाँ तक इसको बढ़ा लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया क्लिक करेंगे और एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो लाएंगे। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम ऐड करते हैं। ये हमारा वीडियो, इसको सेलेक्ट किए, काइंड मास्टर मेड हो चुका है। इसके बाद इसको इस तरह करके रोटेट करेंगे और इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। फिर हम नीचे जाएंगे, ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे और स्क्रीन पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों, फाइनली हमारा वीडियो बनकर तैयार हो गया। तो चलिए एक बार प्ले करके देख लेते हैं।
तो दोस्त हमारा वीडियो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, अगर इसे मैं सेव कर रहे हैं फिर हम शेयर वाले बटन पर क्लिक करेंगे और अपना साइज सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेंगे, हमारा फाइल सेव हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते अगली वीडियो में।